अल्लाह पाक मेरी बेटी को जन्नत में आला मुकाम दे। आज फारिद पूरे घर वालों के कपड़े तय करके ही रहेगा। उसने तहैया कर लिया है कि उसने फ्रिज साफ करा है, तो आज वो सारे घर वालों के कपड़े भी तय करेगा। तो मतलब आस्ते आस्ते सबके कपड़े लेकर तय करोगे ना, है ना मम्मा? हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। अल्लाह पाक अगर सबको परफेक्ट बना देंगे तो ये दुनिया में हर नहीं अकड़ से सब घूमे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे, जुम्मा मुबारक। और लौट चुकी हूँ नाश्ता बनाने के लिए, किचन में आ गई हूँ, चाय चढ़ा रही हूँ। और आज जुम्मे का दिन है तो जुम्मे के दिन आते हैं, जो हमारे बराबर वाले घर में पता नहीं सुबह से बैबे 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 पूरी नींदे वींदे सब खराब कर दी है। रुकी थी आवाज़ आ रही थी, ऊपर हो रहा है शायद। आज हेड भी वॉश करना है, कल करना था लेकिन किया ही नहीं था क्योंकि मूड ही नहीं हो रहा था कुछ करने का। अब हेड वॉश करूँगी। और आज नाश्ते में है मक्खन अंडा एंड ब्रेड। ओके, चाय में चढ़ा रही हूँ और जब तक चाय बन रही है तब तक मैं थोड़ा सा कमरे में थोड़ा सा बैठ लूँ और नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। सो गाइस, अंडे फ्राई हो गए। आपकी बहन अंडे फ्राई करने में बहुत मास्टर है और अच्छे अंडे फ्राई कर लेती है। और यहाँ लगा रही है मम्मा मक्खन। लोग वैसे मक्खन लगाते हैं, मम्मा ब्रेड पर लगा रही हैं। ओ ये तो वो हो गया जोक। जैनब गुस्से में दस्तरखान ले आई है और गुस्से में खड़ी हो गई कि आयत ने दस्तरखान क्यों नहीं बिछाया, इसको मुंह से थप्पड़ देना चाहिए। कितने गंदे गंदे बोला है 10,000 दफा दस्तरखान बिछाओ, बाबा चीखते हैं लेकिन फिर भी दस्तरखान नहीं बिछता हमारे घर में। और ये सबसे बुरी आदत है, दस्तरखान बिछता है तो बरकत होती है। खैर अब दस्तरखान बिछिया, बाबा आ गए और आवाज आ रही है बाबा की, और बाबा के आने से पहले दस्तरखान बिछ गया। ओके, सो गाइस नाश्ता कर चुके हैं हम लोग और मम्मा यहीं पे सब्जी काटने बैठ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक आप लोगों को। जुम्मे का दिन है, बहुत मुबारक दिन है और मैं चाहती हूँ आप सबकी दुआओं में शामिल हूँ बस। और आप दुआ कीजिएगा, और मेरी दुआ है मैं परवरदिगार से कि हर बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन सुभान। हर बेटी के सदके में मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। सदके में नसीब ले रही हैं आप? कोई बात नहीं। अच्छा, अल्लाह पाक बस सब बेटियों को अपने घर में, जो बेटियां अपने घरों में बैठी हैं वो और जो बेटियां अपने घर जा चुकी हैं वो, उन सब की जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी अच्छी जगह शादी हो जाए, और जिनकी शादियां हो गई अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे। ये भी बोले मोटी लड़कियों को पतला भी कर दे। मोटी लड़कियों को पतला करने वाली बात नहीं है, नहीं कर पाती, मुझे पता है आप कोशिश करती हो आप नहीं कर पाती, तो मैं नसीब की तो आपको दुआ दूंगी ना अल्लाह पाक। आप यार अम्मा मैं अच्छी नहीं हूं। हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। अल्लाह पाक अगर सबको परफेक्ट बना देंगे तो ये दुनिया में हर नहीं अकड़ से सब घूमे, तो अल्लाह पाक कहीं ना कोई कमी छोड़ते हैं। और मैं कहती हूँ फिर भी बस कुछ हो ना हो नसीब अच्छा हो बच्चे। चलो भैया नहा के जाओ। और मेरी दुआ है पानी नहीं, मम्मा ने कहा चावल से ना गर्म पानी, गर्मी हो रही है, नसीब अच्छा कर पानी चढ़ाओ। जो लड़कियों की शादी नहीं, मेरा चढ़ा दो तुम अपना मत चढ़ाओ। और जो लड़के अपने घर में परेशान है किसी भी मामलात से परेशान है, बस उनका भी अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान करे और अल्लाह पाक उनका घर बसाए रखे हमेशा, ऐसे ही मेरी दुआ है। और आप लोग भी दुआओं में शामिल रखिएगा, आज जुम्मे का दिन है, आप लोग दुआएं कीजिएगा अल्लाह पाक। बस जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैं इस चीज़ से वो नहीं हूँ, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को तकलीफ़ में देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। और सारी सी बात है मुझे कि हर माँ को अपनी बेटी को तकलीफ़ में देख के तकलीफ़ होती है। ये आप लोग दुआ कीजिएगा, और मेरी दुआ है आप लोगों के हर बेटी के साथ, और मैं हर नमाज में और हर जगह ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर बच्ची का नसीब अच्छा करे। जनाब क्या हो गया बिला फजूल की सब्जी का?
मैंने इसको बोला टमाटर काटने बिना फजूल की सब्जी काट रही है। कह रही है और बेटियों को दुआ दे रही है और मेरे साथ क्या रवैया करते हैं ये लोग। क्या रवैया करते हैं तुम्हारे साथ? हर बेटी को दुआ दे रहे हो, मेरे साथ क्या करते हैं? क्या करा तुम, खुश नहीं हो जाए? बोलिए यूं कर रही, होंठ बाहर निकाल के एक मिनट दोबारा कर। तुम खुश नहीं हो इधर? किस दिल से बोल रही हो तुम? बहुत ज़ैनब कह रही है हर बेटी को पाकिस्तान की हर यानी पाकिस्तान क्या दुनिया में जहाँ जहाँ बेटियां हैं उधर की दुआएं दे रही हैं। और मुझे मुझे देखो कैसे रखा हुआ इन लोगों ने। हमारी आनी का बेटा हुआ इतना प्यारा सा, मेरे कल से कैसे रखा हुआ ज़ैनब बताओ? तुम्हारी खामोशी से लग रहा है कि तुम्हें हम ग्रिल से बांध के सजाएं देते हैं। ये ऐसे कभी चुप भी रहना चाहिए इंसान, कभी चुप भी ऐसी जगह पे तुम चुप रहो वैसी चीजों में तुम बोलती रहो तो जुल्म कर रही हो ना। जब भी तो चुप है, क्या एक्सप्लेन करेगी? बोलेगी तब वो खाएगी गालियां, नहीं बोलेगी तब भी गालियां खाएगी, तो इसलिए बंदा चुप रहे ज्यादा अच्छा। लेकिन पब्लिक है, पब्लिक समझती है चुप्पी को भी कि कोई वजह है चुप्पी। चुप्पी हाँ, आज की चुप्पी की वजह तो मैं अभी समझ गई हूँ कि इस पर बहुत गर्म हो रहा है, बहुत बेचारी कितना जुर्म था है मेरी भाभी में। सोच अल्लाह पाक खुश रखे भाई, सबको खुश रखे। जनाब कितना जुर्म हो रहा है तुम्हारे ऊपर। गंदी ये बकरी, बकरी खाती है। हाँ। आयत जाके नहा, नमाज की तैयारी करो फटाफट फटाफट। मतलब ये टटरे टटरे तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं? नमाज करने जा रहे हैं। बाय बाय। आज फारिस पूरे घर वालों के कपड़े तय करके ही रहेगा। उसने तहैया कर लिया है कि उसने फ्रिज साफ करा है, तो आज वो सारे घर वालों के कपड़े भी तय करेगा। तो मतलब आज तक सबके कपड़े लेकर तय करोगे ना, है ना मम्मा? मम्मा भी इस बात की गवाही दे रही है कि आज फारिस सारे कपड़े तय करेगा, है ना? सारे कपड़े तय करेगा, क्योंकि इतने फ्रिज साफ किया, लोगों ने इसको इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना कुछ दिया कि अब इसने सोच लिया है कि अब ये कपड़े सबके तय करेगा और इसको और प्यार चाहिए लोगों से, है ना मम्मा? लोग तो वैसे भी बहुत प्यार। हाँ, तो बस अब और प्यार मिलेगा। इसके बाद मेरे कपड़ों की बारी है, उसके बाद फिर मतलब मम्मा की है। कहाँ पहुँचेगा वो? इसके बाद मेरे कपड़े देखिए ना, मेरे कपड़े पूरे कल का दिन भी निकल जाए तब भी पूरे तय ना हो वो मेरे कपड़े। इसके बाद फारिस मेरे करेगा, फिर मम्मा की करेगा, फिर बाबा की करेगा, फिर आयत की करेगा, तो बाबा के धोएगा। हाँ भाई, सारे ये लात मार के खोल दूँ? मेरी ये लात मार के तो खोल दूँ सारे, खोल दूँ कैसे? दुआ खोल दूँ सारे, सारे कपड़े तू तय करेगी, सोच ले पाइप से पिटके। क्या बोला? सारे कपड़े भी तू तय करेगी अगर एक एक शर्ट भी खुली तो। खोल 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 खोल, मैं भी देखती हूँ, फिर पाइप से पिटेगी देखना। पाइप से पिटने के बाद तू सबके कपड़े तय करेगी, इसकी सारी सजा देर तक आ जाएगी। सजा वजा दुआ कह रही है ना अम्मा, मेरे कपड़े गंदे कर दिए, अपने गंदे पाँव लगा के। बेटा आपके मुंह से ज्यादा साफ पाँव है मेरे, आप अपना मुंह देखो और मेरे पाँव देखो। माँ के पैरों में जन्नत होती है और मेरे पाँव में जन्नत मुझे मिल जाएगी आगे जाकर। आपको मिल गई ना, अब मेरे पाँव में भी जन्नत। मेरी जन्नत तो वाकई में किसी काम के लिए, मेरी औलाद है तो जन्नत की कदर। इन पाँव की कदर करो, इनके नीचे जन्नत है, समझे? तुम तो कर लो, तुम्हें तो मिल चुकी है जन्नत, तो मुझे भी तो यार माँ नमाज पढ़ लो। मम्मा मच्छर मारने की तरह तोड़ कोशिश यार, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि मच्छर किधर बैठा है, और ये मम्मा
और ये मम्मा नहीं मार पा रही और ये मम्मा जीत गई। गिर गया हीरा। और ये मम्मा ने इसको ढूंढ भी निकाला और नहीं है, नहीं ये नहीं है मम्मा। कहाँ है ये? हाँ ये है। नहीं नहीं हिल रहा होता वो इतना जबरदस्त नहीं मरता कि उसकी डेथ तो जाती। चेरी पॉप्स खाते हुए बचपन की याद आ जाती है और चटपट पापड़ भी। आप लोग के बचपन में कौन से पापड़ अभी तक फेवरेट है कमेंट सेक्शन में बताएं। जनाब डाल दिए धबा दब रोटियाँ, कितनी रोटियाँ बना लिया अभी तक ये नहीं। जनाब ने आज बनाया है, क्या बनाया है, क्या रेसिपी है इसकी? मम्मा ने बनाया। अच्छा। अब जैनब बना रही रोटियाँ, गोल गोल रोटियाँ बन रही हैं जैनब की। मैंने भी अपना कमरा साफ करा है। मेरे बेड पे बैठ के खाना खा रहे हो तुम? बैंड लगाओ। कैसे लगाया बता? लगाओ। मुझे भी बैठ के लाओ कैसे। आज तक खाना लगाते हुए मोटू पतलू देखता है, ये खाना खाते हुए मोटू पतलू देखता है अपनी हालत देख। मोटू में से पतलू बेटा तू ही है। शर्म नहीं आ रही बैठ पे खाना खाते हुए मेरे, और मेरी जगह पे ही बैठ के खा रहे हो यार। आप ही खाना खा रहे हो, नहीं करो आप ही। खाना जो है ना दुपट्टा उड़ के खाते हैं सर पे। छोटा सा बहुत गर्मी वाले खिलाफ हो गए। तुम्हारी साथ ले रहा हूँ। मैं क्या दूँगा मामी के लिए? मेरे लिए अम्मा मेरे लिए क्या दूँगा मामी के? अल्लाह पाक मेरी बेटी को जन्नत में आला मुकाम दे। इतने प्यारे हाथ है मेरी माँ के, गोलू गोलू से। अम्मा क्यों रो रही थी नमाज में? कोई नहीं रो रही थी। है क्या दुआ कर रही थी मेरे लिए? हाँ इतनी लंबी नमाज आपकी थी चढ़ा ली। और ये मेरा कैटरिन का रिजल्ट है, इस पे ड्रायर मैंने बहुत हल्का सा करा, मतलब मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मुझे देखना था ड्रायर से बालों जो है ना वैसे भी सीधे हो जाते हैं अगर आप मारते हैं तो। ना मैंने इस पे आयरन किया, ड्रायर बहुत मामूली सा किया। आप लोग मेरा कैरेटिन का रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरा रिजल्ट कैरेटिन का क्या आया। मेरे बाल इतने डैमेज थे कि आयरन करके ही सीधे होते थे और मतलब ऐसे बम फटा हुआ होता था और वेव था बहुत। और मेरे बालों अम्मी मेरा कैरेटिन का रिजल्ट है, बट ये अभी मुझे इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़े क्या बहुत ज़्यादा डैमेज थे तो कैरेटिन से बाल मेरे रिपेयर हो गए। अगर आप लोग कैरेटिन करवाएंगे क्या कहते हैं सादिया मेकअप स्टूडियो से, तो उनका लिंक आपको इस व्लॉग के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम से आपको सारी मेरी डिटेल मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम मेरे आपको यहाँ शो हो रहा होगा। अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करते हैं कशफ अंसारी 123 तो उस पर आपको मिलने वाला है 30% डिस्काउंट, और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो जाकर इंस्टा पे उनकी डिटेल्स मेरी स्टोरी पे मेंशन है, वहाँ पे जाओ मुझे भी फॉलो करें और उनकी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। इंस्टा पे उनको मैसेज करें वो आपको जवाब दे देंगी। और बाकी अगर उनका लिंक उनका नंबर चाहिए तो वो भी आपको शो हो रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, जाएं डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देखें। और मेरे व्लॉग को लाइक कर लो और सब्सक्राइब भी। अभी मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, तो मुझे वहाँ पर जाके काम करना है अपना, तो फिर हम व्लॉग तो बनाते रहेंगे, तो बस चलते हैं फिर। तो गाइस मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, वापस आएंगे। सो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और मेरे पैर में इतनी ज़ोर से लगी है जाते हुए। मैं जो है वो आ रही थी बाइक पे और पाँव में लोहा आके इतनी ज़ोर से लगा चला नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा टिश्यू फट गया पाँव का। सो रीच एट होम नाउ। कौन है फारिस? तुम्हारा
अच्छा मैं खुश माशाल्लाह मुझे मुझे उन्होंने बोला रो रही थी फिर उदास क्यों थी और मुझे एक डीएम आया था उन्होंने पीआर भेजा है ना मुझे मुझे भी दिखाओ तो उन्होंने कहा था कि आपके मुश्किल वक्त में छोटी सी स्माइल लाने के लिए मतलब इतनी सारी चॉकलेट वाओ माशाल्लाह नाइस अब ये पीआर मैं इंस्टाग्राम पे दूंगी ना इसका ये आप व्लॉग बना रही हैं नहीं वैसे ही मैं तो यहाँ पे लिखा है ओपन करें और क्या फर्ज निकालना चॉकलेट से ज़्यादा तो मेरा पैकिंग पे दिल आ गया पैकिंग इतनी खूबसूरत हुई है माशाल्लाह वाकई में यार दुआ तुमसे लोग कितना मोहब्बत करते हैं यार वाओ ओए यार इतनी हट जा मेरी चीजों को छोड़ दो और ये तुम्हारे किस काम की मम्मा फिटवाएंगी हमसे बिना पानी डलवाए बिना पानी डलवाए बहुत हो गया बहुत ज्यादा हो गया मुझे कोको कलेक्शन ने भेजा है गाइस इंस्टाग्राम पे इनका रिव्यू दे रही हूँ और आप लोग जाए जाके देखें और इनसे बहुत सारा आप लोग जो है वो करें ऑर्डर करें वैलेंटाइन डे के लिए और इन्होंने सिर्फ मुझे ये भेजा इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको पीआर भेजना चाहते ताकि आप थोड़ा सा खुश हो जाए थोड़ा अब ज्यादा हो गई मगर माशाल्लाह मैं ज्यादा खुश हो गई अब मैं इसको रिव्यू दूंगी दिखाएं सच में मुझे इन्होंने पीआर पैकेज भेजा है कोको कलेक्शन ने कसम से मैंने ये पढ़ा नहीं था मैंने ये पढ़ा मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली है कि उन्होंने मुझे लिखा है कि यू आर ऑलवेज पुटिंग स्माइल ऑन आवर फेसेस थ्रॉट योर कंटेंट दिस वाकई मतलब सीरियसली आउच मेरे पैर आज लग गए मुझे बहुत दर्द है मैंने जब ये बॉक्स देखा मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब यार मुझसे लोग इतने प्यार करते हैं मुझे पता है कॉल आ रही है मैं देख चुकी हूँ जब मैं यहाँ बना रही थी तभी देख लिया था अभी कॉल आ रही है तो वो पीछे से बता रही है कॉल आ रही है तो एक तो मेरे व्लॉग में कोई ना कोई पीछे से बोलता है मम्मा को तो फौरन बीच में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अरे हम लोग आज चैलेंज वीडियो बनाने वाले हैं और चैलेंज वीडियो हमारी ये है कि मम्मा करने वाली है मेरी टिकटॉक वीडियोस पे रिएक्शन और मैंने टिकटॉक वीडियोस जो है सिलेक्ट कर ली हैं मेरी टिकटॉक वीडियोस भी कुछ इंटरेस्टिंग हैं और उस पर मम्मा करने वाली है रिएक्शन मम्मा देखती रहती है वैसे तो और मैं कभी कभी गालियाँ भी खाती रहती हूँ बट अब आज आप लोगों के सामने गालियाँ खाऊंगी एंड आई लव यू गाइस आई लव यू और ये नई कशिफ हाजिर हो गई है ये कह रही है अम्मा बहुत जोर की भूख लग रही है मेरी बहन के पैर पे चोट लग गई है और ना आज इनके चोट लगी और स्वेलिंग आ गई है गोली लग गई आज मैं बिरयानी खाऊंगी रायते के साथ मसल मसल के हाँ मचल मचल के पहले मचलूंगी उसको मसलने को है मचलना कह रही है ये रोटी से देखिए आप मुलाहिजा फरमाइए हम लोग रोटी से ही खाते हैं बिरयानी का और अच्छी लगती है मुझे अपना बचपन याद आता जब हमारे पास ज्यादा बिरयानी मंगाने के पैसे नहीं होते थे और रोटी मंगा के बिरयानी से खाते थे बस 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 अम्मा बताए ना बच्चन ने ऐसे मगर मजे का लगता था मुझे अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का आपको आप बताइए आज आप फिर किस बात पे हंसी आप कुछ दिन पहले मेरे लगी थी तो दुआ ने इस बात का एहसास ही नहीं किया था कि मेरी माँ तभी आपको मैं डेली मालिश कर रही थी वैसे आप बहुत नाशुक्री हैं किससे शुक्र अदा करना था मुझे तुमसे अल्लाह पाक से कि आपको इतनी अच्छी औलाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी औलाद है पैर में दर्द में पैदल अम्मा भी पार्क तक फिर के टेंशन में गई है तीन बच्चे ना बहुत तंग करते हैं वैसे ये भी व्लॉग में दिखाना चाहिए था कसम से मुझे कितनी दूर तक पैदल चलाया इसने इतनी दूर तक पैदल चलाया तो टेंशन इनको थी इनका दिल नहीं लग रहा था घर में और हम इनके पीछे पीछे चल रहे थे वो नहीं है वो फिर मुझे वो वाली फिल्म याद आ गई थी क्या नाम है 16 बरस की लग रहा है मुझे ऊपर ही ना आ गया मुझे लेके चला जाएगा
इतने गंदे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मम्मा ने हल्दी लगा के सब्जियाँ खा ली हैं। आप ही का पैर में गोली लग गई। बचपन में मुझे ऐसे डराती थी एक पागल औरत। खुश हैं आप? आप हमेशा ये क्यों पूछती हैं खुश हैं आप? आप खुश रहा करें। मैं वैसे भी खुश हूँ। मैं खुश रहती हूँ, आप खुश रहती हैं, मैं खुश रहती हूँ। मैं वैसे भी खुश रहती हूँ। अल्लाह पाक इंसान को हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए। पापा बोलिए हम लोग पहुँच गए हैं घर। बहुत हो रही है, सुबह सो के आराम से उठूंगी मैं। ये लंगड़ी अड़ी लग गई। वो गाना याद आ गया, चेरी चलो पत्थर ऐसे चलाओ चलाओ चेरी चलो पत्थर। मोहब्बतें नजर आ रही है, तुम समझती नहीं है। लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और बस तरह प्यार दे। बाय बाय, लव यू मिस।